हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो आपको पता ही होगा, हमने रिसेंटली एक सीरीज चालू की है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज एग्जाम बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस। आप सबने सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी देखा है, जिसमें आपने अच्छे से देखा होगा कि मेजर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ केस स्टडीज। सो अब बारी है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें हम करने वाले हैं केस स्टडी नंबर 9। तो मतलब कि 8 केस स्टडीज मैं आपको करवा चुकी हूं एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। यस, 8 केस स्टडीज कवर्ड हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन पर इस चैनल के, वहां पर आपको कंप्लीट सिस्टमैटिक तरीके से सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये केस स्टडीज आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। एंड हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल, दैट इज फॉर सीबीएसई बोर्ड। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ये सारे स्टेट बोर्ड्स कवर्ड हैं। सो आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिसको इस चैनल का बेनिफिट मिल सकता है या फिर हिंदी मीडियम चैनल का बेनिफिट मिल सकता है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि मैम करवा रही हैं केस स्टडीज जो कि एग्जाम के लिए सुपर सुपर बेनिफिशियल। एंड स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको मिलते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं कि आज का केस इंटरेस्टिंग केस स्टडी कौन सी है। सो मेगा लिमिटेड के बारे में है ये। मेगा लिमिटेड वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर्स, है ना। तो ये क्या करते हैं, वाटर हीटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नाउ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज जस्ट सफिशियंट टू मीट इट्स कॉस्ट, है ना। तो फर्स्ट ईयर जब आया मेगा लिमिटेड का, जहाँ पे वो वाटर हीटर मैन्युफैक्चर करते थे, तो उनका जो तनख्वाह, मतलब उनकी जो रेवेन्यू है, सॉरी नॉट तनख्वाह, उनकी जो कमाई है टोटल, ठीक है, वो केवल इतनी ही सफिशिएंट थी कि सिर्फ उनकी लागत निकल सके, है ना। समझ लो ब्रेक इवन पॉइंट पर थे, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीजंस फॉर लेस रेवेन्यू। अब उनको रेवेन्यू बढ़ाना है अपना, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, तो उन्होंने देखा कि आखिर हमें ये कम रेवेन्यू क्यों हो रहा है। उन्होंने रीजंस एनालाइज करना चालू किया। आफ्टर एनालिसिस कंपनी ने कुछ चीजें डिसाइड की। फर्स्ट उन्होंने डिसाइड किया टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर वॉज अवेलेबल एट अ वेरी लो रेट, ठीक है। तो ये जो है, ये जहां पर भी इनकी लोकेशन थी कंपनी की, वहां पे लेबर महंगा होगा, ठीक है। तो इन्होंने सोचा अपन क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कोई गांव वाँव में बना देते हैं जहां पे लेबर बहुत सस्ते में मिलता है, ताकि हमारी कॉस्टिंग कम आए, ठीक है। नाउ अब उसके बाद टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स स्लोली। अब कंपनी का एक और उद्देश्य है कि हम क्या बनाएंगे, सोलर वाटर हीटर। अभी तक हम क्या बना रहे थे, अभी तक मेगा लिमिटेड बना रही थी वाटर हीटर जो कि इलेक्ट्रिक से होते हैं, अब वो क्या बनाना चाहते हैं, सोलर, ठीक है। अब दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव्स टू, ठीक है। तो इससे रिस्क भी एलिमिनेट हो रही है बट और भी ऑब्जेक्टिव्स, जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है दैट इज लिमिटेड, तो ये भी चीज है कि हमारी सोसाइटी को बहुत भला होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रही है, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। अब कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, स्टूडेंट्स जो लेबर गांव में अवेलेबल है, भले वो सस्ते में अवेलेबल है, अब सस्ते में क्यों अवेलेबल है, क्योंकि गांव वालों के पास एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि वो जॉब कर सके, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी वहां सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्लस उनका भी भला हो रहा है, कम रेट पर उनको लेबर मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स, यहाँ तो वो हमारे एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो कम्प्लीटली सोशल ऑब्जेक्टिव है एंड इससे उनका जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो भी बढ़ेगी। अब इसके बाद कहीं भी प्रॉफिट अर्निंग लिखा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हाईलाइट हुआ है। सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट,
सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट रिफर टू आर ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल. बस इनको एक्सप्लेन कर देना है कि ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. तो कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे. सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इट रिफर्स टू कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना. सोलर लैंटर्न्स प्रोड्यूस करना ड्यूरिंग द मैनेजरियल एक्टिविटीज. अब ये अगर ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है तो क्या करना है स्टूडेंट्स, यहीं पे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एज इन द गिवन केस किस तरीके से लिखना है वो सिखा रही हूँ. एज इन द गिवन केस ऑर्गेनाइजेशन is reducing labor cost by shifting operations in a backward area, it will make the availability of labor at a cheaper rate. ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इफ इट कम्स टू 4 मार्क्स. ठीक है, अब अगर इससे भी ज्यादा मार्क्स का आता है देन कोट लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ. ठीक है, और यू कैन मेक हियर इन द अबाव फ्लो चार्ट टू, फ्लो चार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप इस तरीके से 3 bifurcations लिख दोगे, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक. इस तरीके से आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखना है. अब सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी ट्राई कि यहाँ पर अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है सो हियर कंपनी मेगा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग, अब इसके आगे सोलर लैंटर्न्स विच विल लीड टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेंस इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन अ नेचुरल वे, प्लस इट इज ऑल्सो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय एम्पावरिंग द प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग इन द रूरल एरियाज. ओके, सो इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं. तो वेन एवर इट कम्स टू इलेबोरेटिंग द आंसर स्टिक टू द क्वेश्चन, डोंट रन हेयर एंड देयर. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी आपको जो सेम पैटर्न में था लास्ट केस स्टडी से बिल्कुल सेम ही था, बट जो पैटर्न था, जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल अलग थे. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में ऑफ चैप्टर नंबर 1 ओनली एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की. आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल, दैट इज फॉर CBSE बोर्ड. एंड स्टूडेंट्स हमारा एक और चैनल है, दैट इज हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑफ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th. स्पोकन इंग्लिश, वैदिक मैथ्स के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड होते हैं. क्रैश कोर्स मिलता है आपको जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड होते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. एंड स्टूडेंट्स हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आपको क्या करना है, इनको फॉलो करना है. अपार्ट फ्रॉम इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में. थैंक यू सो मच.